हेलो स्टूडेंट, ठीक है। लास्ट हमने लास्ट आप लोगों को मैंने बोला था कि जो एक्सरसाइज आपकी 3.2 है और मिसेलेनियस एक्सरसाइज 3 जो है वो आपको इंग्लिश मीडियम के वीडियो में जो सॉल्व की है वहीं से सॉल्व कर लेनी है। बाकी जो कंसेप्ट है आपका वो उसके लिए हिंदी मीडियम का मैं अलग से आपकी वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आप लोगों ने देख ली होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं आपका चैप्टर 4 की ओर, ठीक है। कोई भी डाउट्स आ रहे हो तो आप लोग भेज देना, ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 4 जो है आपका उसकी ओर, ठीक है। और ये हम लिख देते हैं चैप्टर 4, और चैप्टर 4 जो है वो है आपका सारणिक। चैप्टर 4 जो है वो है आपका सारणिक, ठीक है। सारणिक ये आपका चैप्टर 4 है, इसको हमको करना है। और ये भी आप, ये आपके कितने आता है मैक्सिमम मार्क्स इसके हैं 3, एग्जाम में आपके 3 मार्क्स का ये चैप्टर जो है वो आता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सारणिक क्या होता है। सबसे पहले सारणिक के अगर उपयोग की हम बात करें तो सारणिक का जो उपयोग होता है वो समीकरण निकाय जो हमने आव्यूह में बात करी थी उन्हीं का उसी में काम में आता है, ठीक है। ये भी तो समीकरण निकाय को हल करने में कहीं कहीं इसका भी यूज होता है, ठीक है। तो ये भी आपको आना चाहिए। तो ये भी आपका आव्यूह से आगे का पोर्शन ही है। तो सबसे पहले आपके आव्यूह के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, अच्छा। तो फिर हम आगे सारणिक की बात कर सकते हैं। सारणिक क्या होता है, तो सारणिक जो है वो, ठीक है, तो आव्यूह को मैं कहूँ तो आव्यूह विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं ना, विभिन्न क्रम के हो सकते हैं, हमने देखा था। तो उसमें से जो वर्ग आव्यूह होता है इसको क्या, कौन सा आव्यूह, वर्ग आव्यूह, ठीक है। सारणिक कहते हैं किसे है? उसके लिए हमको सबसे पहले वर्ग आव्यूह पर पहुंचना पड़ेगा कि कोई भी वर्ग आव्यूह बता था जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, ऐसे आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाते हैं, ठीक है। तो वर्ग आव्यूह जो है, यदि सारणिक किसको कहते हैं उसको देखते हैं कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक अद्वितीय संख्या, ठीक है, एक अद्वितीय संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या जोड़ा जा सकता है। प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक अद्वितीय संख्या से व्यक्त किया जा सकता है या जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो वर्ग आव्यूह को अद्वितीय संख्या से जोड़ना, ठीक है, कि वर्ग आव्यूह जो है उससे एक नंबर निकालना, एक वैल्यू निकालना, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, सारणिक कहते हैं, ठीक है। तो वर्ग आव्यूह से वो जो संख्या निकाली जाती है वो वर्ग आव्यूह जो है वो एक संख्या से जोड़ा जाता है, एक निश्चित संख्या से जोड़ा जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सारणिक कहते हैं। हर एक वर्ग आव्यूह के लिए हर एक नंबर होगा, ठीक है। तो डिफरेंट अलग अलग आपके वर्ग आव्यूह होंगे तो उनके लिए अलग अलग क्या निकलेंगे, सारणिक निकलेंगे। और सारणिक का क्या होता है, एक मान होने वाला है, ठीक है, एक वैल्यू होने वाली है, एक संख्या होने वाली है। तो वर्ग आव्यूह की बात करते हैं। आप देखो क्या कि जैसे मैंने आपको क्या दिया कि वर्ग आव्यूह मैंने लिख दिया ए, ठीक है, ए वर्ग आव्यूह लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से मैंने एक वर्ग आव्यूह लिख दिया। और इस वर्ग आव्यूह के लिए मैंने क्या कहा कि इससे एक मान निकलेगा, ठीक है। तो वर्ग आव्यूह जो ये आव्यूह है ये तो क्या था, व्यवस्थित क्रम, संख्याएं थी बहुत सारी और उनको आव्यूह उसमें क्या किया था, लिखा था, ये हो गया व्यवस्थित क्रमांक। क्या हो गया, व्यवस्थित क्रम में जो जमाया हुआ है ना, ये जो तो क्रम में लिखा हुआ है, व्यवस्थित किया हुआ है, इसी को हम क्या कहते थे, इसको कहते थे आव्यूह। लेकिन ये कौन सा आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, क्योंकि 3 × 3 है। लेकिन अगर सारणी की बात करें तो इसी आव्यूह, हर एक आव्यूह के लिए एक सारणी होगा, हर एक वर्ग आव्यूह के लिए, जितने भी वर्ग आव्यूह उन सबके लिए क्या होगा, सारणी होगा। और वो सारणी को कैसे व्यक्त करेंगे, तो जो वो वर्ग आव्यूह है उसके ऊपर, ये वर्ग आव्यूह की सारे संख्या लिख देनी है आपको, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और अब ये जो हमने ब्रैकेट बनाया था ये किसके लिए बताता था, आव्यूह को। और ये इस तरीके से जो मॉड्यूल मोड जैसा कुछ साइन है, मोड जैसा जो साइन है वह किसको बताएगा, इसके सारणिक को, ठीक है, किसको बताएगा, सारणिक को। और सारणिक को अंग्रेजी में डिटरमिनेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट कहा जाता है, डिटरमिनेंट,
तो डिटरमिनेंट कहा जाता है। इसलिए इसको कैसे व्यक्त करेंगे, अगर आपका ए वर्ग अवयव है तो उसका डिटरमिनेंट जो है वो ये हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, इंग्लिश में पढ़े तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, और हिंदी में पढ़े तो ए का सारणिक, ए का सारणिक जो है वो ये है। और ये जो होता है वो क्या कहा हमने, वर्ग अवयव से, हर एक वर्ग अवयव से एक संख्या होगी, और उस संख्या को तो इसको कह सकते हैं वास्तविक संख्या, क्योंकि आपके सिलेबस में वास्तविक संख्या की बात होगी। ये जो मान है वो क्या होगी, एक वास्तविक संख्या होगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सारणी। तो यहाँ से क्या वो संख्या कैसे आएगी उसकी हम बात करने वाले हैं आगे, लेकिन अभी हम क्या कह रहे हैं, अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि एक वर्ग अवयव होगा, एक वर्ग अवयव होगा जिसके लिए एक संख्या निकाली जाएगी, हर एक वर्ग अवयव से एक संख्या निकाली जाएगी, उस संख्या को क्या कहेंगे, सारणी कहेंगे, ठीक है। अब इसको लिखा कैसे जाता है, तो जैसे सारणी ए का जो सारणी है डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसा भी लिखते हैं, इसको कभी कभी डेल से भी लिखते हैं, और इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, डिटरमिनेंट ए हो गया इसको मॉड ऑफ ए, ठीक है, इससे भी व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि ये वाला जो चिन्ह है, ये वाला चिन्ह हम पहले भी छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि ये मॉडुलस का साइन होता है, और -2 अगर हम पुट करते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो 2 आता है, प्लस बना देता है। लेकिन यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ये आपका मॉडुलस नहीं है, ये मॉडुलस का साइन नहीं है, ये सारणिक का चिन्ह है। अब आपको अगर सर दोनों में अंतर क्या होगा, दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है। यहाँ पर एक संख्या हम इसके अंदर पुट कर रहे हैं, ठीक है, ये जो संख्या है वो संख्या कि वो केवल संख्या है, ठीक है, जबकि यहाँ पर जो आप इसके अंदर रख रहे हो वो क्या रख रहे हो, अवयव, क्या पुट कर रहे हो, अवयव पर ये चिन्ह लगा रहे हो। किस पर चिन्ह लगा रहे हो, ए अवयव था और ए अवयव पर हम ये चिन्ह लगा रहे हैं, तो ये आपका सारणी होगा, क्या हो जाएगा, सारणी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये बात समझ में आ गई होगी, जिसको इस तरीके से भी व्यक्त किया जाता है, और व्यवस्थित क्रम अवयव और वास्तविक संख्या क्या हो गया, सारणी, दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ये अगर आपका वर्ग अवयव है उसका सारणी हम बना रहे हैं, तो अब वो संख्या कैसे निकल रही है, हर एक अवयव, हर एक वर्ग अवयव के लिए आप किस तरीके से संख्या निकाल सकते हो, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग इसको आराम से नोट कर सकते हो। तो एक एक करके हम बात करते हैं कि अवयव सारणी का मान, सारणी का मान, ठीक है। तो सारणी का मान तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि वर्ग अवयव के लिए सारणी निकलेगा, तो वर्ग अवयव कितने होते हैं, तो वर्ग अवयव बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें देखें तो उनके क्रम की बात करें तो 1:1 ये वर्ग अवयव है, 2:2 वाला भी वर्ग अवयव है, 3:3 वाला भी क्या है वर्ग अवयव, 4:4 वाला भी क्या है वर्ग अवयव है, लेकिन हमारे सिलेबस में ये 3 तक के जो वर्ग अवयव है उनकी बात हो रही है, तो इन तीनों के क्या निकलेंगे, सारणिक भी निकलेंगे, तो इन तीनों के हम सारणिकों की बात करेंगे। तो एक एक करके, क्योंकि सबके तरीके अलग अलग है, ठीक है, सबके निकालने का तरीका यहाँ पर अलग अलग होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं 1:1 क्रम के क्रम का सारणी, ठीक है, क्योंकि 1:1 क्रम का क्या होगा, अवयव होगा तो उसका सारणी भी होगा। तो मैंने जैसे यहाँ पर लिख दिया ए एक इस तरीके से ए आई जे लिखा है 1:1 का, ठीक है, ए इसके अंदर अवयव है, ठीक है। तो ये देखो 1:1 मतलब कितने अवयव होंगे इसके अंदर, एक ही अवयव होगा और वो कौन है, ए है, तो इसका सारणी क्या होगा, तो इसको ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ए का जो सारणिक है, ए का सारणिक, तो ए का सारणिक जो है वो क्या हो जाएगा, तो इसका मोड लग जाएगा, तो ए का इसका मोड तो ए ही है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमने क्या किया है, हमने सारणिक लगाया है, ठीक है, ना कि मॉडुलस। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं, इसके अंदर जो नंबर है वही वापस आ जाएगा। तो इसका एक उदाहरण हम देखते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा ए जो अवयव है
वो एक इंटू एक का है, तो यहाँ पर मैंने लिखा एक लिख दिया, इसके अंदर क्या लिख दिया, दो लिख दिया। चलो ठीक है, ये एक इंटू एक का है, तो इसके सारणिक का मान क्या होगा, तो इसके सारणिक का मान इसके ऊपर नोट लगा देंगे, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, सारणिक का चिन्ह, इस आगे ऊपर इस चिन्ह में चिन्ह क्या लगा देंगे, सारणिक का। तो ये क्या कहता है कि ए अगर अंदर है, अकेला ए ही है, वन प्लस वन का है, तो ए ही बाहर आएगा, और अगर आपका दो है अंदर, अब इसका क्या लगा है सारणिक, तो क्या कहा वो अंदर वाला ये ही इसका आंसर होगा। एक और उदाहरण लेते हैं तो थोड़ी क्लियर की आएगी। जैसे मैंने ले लिया इस तरीके से एक इंटू एक का, इसका मुझे सारणिक निकालना है, तो मैं इस आर्गुमेंट चिन्ह को क्या बना दूंगा, सारणिक। कौन सा चिन्ह बनाया मैंने, सारणिक का चिन्ह बनाया है, और सारणिक का चिन्ह क्या कहता है, तो सारणिक का चिन्ह कहता है कि अगर आपका एक इंटू एक का अव्यू है, वर्ग अव्यू है, तो उसका सारणिक जो है वो उसका अंदर का अव्यय होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, इसका जो रिजल्ट है, वो कुछ लोग कहेंगे कितना आएगा, टू, कुछ लोग कह देंगे अभी टू आएगा। ठीक है, लेकिन गलत है, मैंने अभी समझाया कि आपका ये मॉड नहीं है, मॉडुलस होता तो टू कह देता। ठीक है, तो मापान रूप वाला सिस्टम होता, मॉडुलस होता तो हम टू दो कह देते, कि मॉडुलस नहीं है, सारणिक है, और सारणिक का क्या सिस्टम है, अगर एक इंटू एक का वर्गमूल है, वन इंटू वन का वर्गमूल है, तो आपका अंदर का अव्यय जो है वही आ जाएगा, मतलब इसका जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, माइनस दो आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये सारणिक की बात हो गई, क्योंकि ये जो माइनस दो था वो तो इस अव्यय का था ना, तो इसलिए यहाँ पर माइनस दो का माइनस दो ही इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो हमने दूसरी बात करते हैं कि अब हम किसका हल करेंगे, अब हम हल करेंगे दो इंटू दो क्रम का सारणिक, इसकी बात करते हैं दो इंटू दो क्रम का सारणिक। ठीक है, तो दो क्रम टू क्रॉस टू का अगर सारणिक है, चलो ठीक है, आगे होना चाहिए पहले, तो आगे में कैसा होगा, इस तरीके से A11, A12, A21 और A22, इस तरीके से आपके क्या होंगे, आगे होगा दो इंटू दो का, इसका क्या निकालना है, सारणिक निकालना है, तो इसका जो सारणिक है वो कैसा बन जाएगा, A11, A12, A21, A22, तो ये आपका सारणिक बन गया। अब इस सारणिक में देखें तो दो इंटू दो का बन रहा है। ठीक है, अब इसको हल कैसे करें, इस तरीके की चीज, यहाँ पर तो एक ही अव्यय है, वही अव्यय आपका बाहर, वही अव्यय क्या दे देगा, वही वैल्यू दे देगा, उसके सारणिक का मान दे देगा, लेकिन अब इसका सारणिक बनाया हुआ है तो ये वो कौन सी संख्या देगा, तो इसके लिए क्या सिस्टम चलता है, इसको समझते हैं। तो क्या करना है, वज्र गुणा करना है, तो देखो ऊपर से नीचे की ओर ये हो गया क्रॉस में, ठीक है, ये कर दिया, और नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, तो ऊपर से नीचे अगर करेंगे तो A11 और A22 का गुणा होगा, और नीचे से ऊपर करेंगे A21 और A12 का गुणा होगा, A11 और A22 का होगा, और A21 और A12 का होगा। तो हमको समझ में आया कि जो ऊपर से नीचे गया वो प्लस का रखना है, नीचे से ऊपर गया उसको आगे क्या लगा देना है, माइनस कर देना है, तो ये इसका मान आता है। इस तरह दो इंटू दो क्रम के जो अभी सारणिक होता है उसका हल हम इस तरीके से करते हैं। उदाहरण के लिए हम लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा 2, 3, 4, 5, इसका इसका सारणिक का मान चाहिए, तो कैसे करेंगे, तो 2 × 3 कर लेंगे, माइनस माइनस 4 × 5 कर लेंगे, तो 2 × 3 = 6, माइनस 4 × 6 = 20, ये माइनस के 14 आ जाएगा। ठीक है, एक और उदाहरण इसका मैं बता देता हूँ कि -1 - 2 - 3 - 4, इस तरीके से मान दे दिया। अब अगर हम इस सारणिक को हल करें, इसका इससे गुणा होगा, -1 - -4, तो कितना हो जाएगा, +4, और फिर क्या होगा, नीचे से ऊपर क्या लगेगा, माइनस, और 3 का किससे गुणा होगा, -2 से -6, तो यहाँ क्या आएगा, -6, ये आ जाएगा 4 + 6 = 10 आ जाएगा। तो ये हमने क्या सीखा कि अगर 2 × 2 का वर्ग अव्यय है तो हम किस तरीके से उसको हल कर सकते हैं। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा इस तरीके से, अगर 2 × 2 का है तो हम किस तरीके से उसको हल कर सकते हैं, तो इसका इससे गुणा करना है, माइनस इसका इससे गुणा करना है, तो आपका वो हल निकल कर आ जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और एक और बात करते हैं,
एक और बात करते हैं, इसको डिटरमिनेंट भी कहा जाता है, मैंने पहले कहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए भी कहा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, डेल भी कहा जाता है, ठीक है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंबल है ये तो। अब ये हमने क्या देखा, ए इंटू ए क्रम का सारणिक कैसे हल करते हैं, ए दो इंटू दो क्रम के सारणिक को कैसे हल करते हैं, अब क्या सीखेंगे, तीन इंटू तीन क्रम के सारणिक को किस तरीके से हल करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, तो नोट कर लो हम लोग, ठीक है, आराम से यस। तो यहाँ तक हमने क्या सीखा कि एक इंटू एक क्रम के अवयव सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, दो इंटू दो के क्रम के सारणिक का मान कैसे निकालते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर तीन भी, नंबर तीन भी, तीन इंटू तीन क्रम की क्रम का सारणिक, क्रम का सारणिक, ठीक है, इसकी बात करते हैं तीन इंटू तीन। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, पहले तीन इंटू तीन का वर्ग अवयव होना चाहिए, तो मैं वर्ग अवयव बना देता हूँ, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, और फिर ए टू वन, ए टू टू, और ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, और इस तरीके से आपका बन गया वर्ग अवयव, और इसको कह दिया तीन इंटू तीन क्रम का वर्ग अवयव। तो इसके साथ में इसका ही क्या बनेगा, सारणिक चाहिए, इसका ही क्या चाहिए, सारणिक, तो उसको हम बना देते हैं, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, इसका सारणी कैसे लिखेंगे, इस तरीके से ए का सारणी, या फिर हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए का सारणी, क्या लिखेंगे, ए का सारणी। अब इसमें देखें तो ये ऐसे बना देता हूँ, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, फिर ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री, ठीक है, इस तरीके से हमने बना दिया। इसमें तीन पंक्तियां और तीन स्तंभ है, इसमें तीन पंक्तियां और तीन स्तंभ है, ठीक है। तो बात करते हैं इसको कैसे हल करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे, थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसको जो हल करना है, ठीक है, वो करने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी एक पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ का चुनाव करना है, क्या करना है, किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ का चुनाव करना है। जैसे मैंने चुन लिया, मैंने मैं इसको हल करूंगा किसके सापेक्ष, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष क्या करेंगे, इसको हल करेंगे या इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक्सपांड करेंगे हम कहते हैं, तो खोलेंगे इसको, तो ओपन करेंगे, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, प्रथम पंक्ति, तो पहली पंक्ति में कौन कौन है, देखो पहली पंक्ति में ए वन वन है, ए वन टू है, ए वन थ्री है, ठीक है, तो ए वन वन है, पहला अभी लिखो ए वन वन, पहली पंक्ति में पहली पंक्ति को देख रहे हैं ना, तो पहली पंक्ति लिख दो, ए वन वन लिख दिया, फिर ए वन टू लिख दिया, और फिर ए वन थ्री लिख दिया, पहली पंक्ति लिख दी दूर दूर इस तरीके से, ठीक है, फिर क्या करना है, उनके आगे चिन्ह लगाना है, चिन्ह कैसे लगाना है, उनका स्थान कौन सा, उनका स्थान कौन सा, वन वन, वन प्लस वन, ए वन वन है ना, तो वन प्लस वन करेंगे कितना आएगा, टू, तो टू आएगा तो क्या है आपका, सम है तो प्लस का आएगा, और अगर इन दोनों को प्लस करें और क्या है, विषम है, विषम संख्या है तो माइनस का आएगा, ए वन वन है टू आया प्लस का, ए वन टू है तीन आया, वन प्लस टू, वन प्लस टू, थ्री हो गया तो माइनस लगा दो, और ए वन थ्री क्यों माइनस, वो तो बाद में, अभी यहाँ पर देखो ए वन टू है क्या लगा दो, विषम आ रहा है जोड़ने पर तो क्या लगा दो माइनस। अब हम बात करते हैं कि वन थ्री, अब वन थ्री की बात करें, वन प्लस थ्री क्या हो गया, फोर, फोर हो गया तो क्या लगा दो इसके आगे, प्लस, यहाँ तक हो गया होगा। अब हम बात करते हैं ए वन वन है, तो ए वन वन के रेस्पेक्ट में ये जो गैप छोड़ा वहाँ क्या होगा, तो इसको छोटे छोटे सारणिक में तोड़ना है ए वन वन के लिए, तो वन पहले वन का क्या मतलब है, पहली पंक्ति, दूसरे वन का क्या मतलब है, पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ यही बढ़ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ पर क्या आ रहा है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ऐसा ही आ रहा है ना, तो यहाँ पर पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ,
ठीक है, तो इसके साथ में क्या करना है आपको, पहला पंक्ति पहली पंक्ति पहला स्तंभ है तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटा दो। अब क्या करो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटा दो, तो मैंने कहा कि ये पूरा हट जाएगा, कौन हट जाएगा, ये पूरा आपका ये यहाँ से हट जाएगा, इसको हटाते हैं, ये पूरी हो गई पहली पंक्ति, ये पूरा हो गया पहला स्तंभ। जब इतने भाग को हटा देंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये चार बचेंगे, क्या बचेंगे, ये चारों बचेंगे, तो उसके साथ में ये चारों लिख देने हैं, ए टू टू, क्या बचा, ए टू टू, फिर बचा है ए टू थ्री, फिर उसके नीचे क्या लिखा है, ए थ्री टू, और इसके नीचे क्या है, ए थ्री थ्री, तो इस तरीके से हम उसको लिख देंगे, तो ये बन गया। फिर हम क्या करेंगे देखो, फिर आपको समझ में आ रहा होगा, वन टू है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति को हटाना है, पहली पंक्ति को हटाना है और दूसरे स्तंभ को हटाना है, पहली पंक्ति को हटाना है और दूसरे स्तंभ को हटाना है, पहली पंक्ति ये रही, दूसरा स्तंभ ये रहा, इसको और इसको भूल जाओ, इस ये और ये है ही नहीं, तो आप देखोगे क्या बच रहा है, आप लोगों को लग रहा होगा कि ए टू वन बच रहा है, इधर से ए टू थ्री बच रहा है, इधर से 31 और इधर से 33 बच रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि क्या क्या बचा, जब ये और ये भाग हटा देंगे तो आप भूल जाओगे कि ये है ही नहीं, तो आपको दिखेगा ए टू वन ए टू थ्री, ए टू वन ए टू थ्री, फिर नीचे बचा ए थ्री वन और ए थ्री थ्री बचा है, ये ए वन टू के साथ बचा है, तो अगले स्टेप में क्या होने वाला है, तो यहाँ पर है वन और थ्री, क्या है वन और थ्री, वन मतलब पहली पंक्ति, थ्री मतलब तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, फिर से रिपीट करते हैं, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब क्या करेंगे, पहली पंक्ति हटाएंगे, तीसरा स्तंभ हटाएंगे, बोलो ये और ये पूरा हटा दिया, ये बचेगा ना, तो लिखो ए टू वन ए टू टू ए थ्री वन ए थ्री टू, ये आपका हल होके निकल कर आ गया। तो इसको मैंने किसके सापेक्ष किया, तो मैंने पहली पंक्ति के सापेक्ष किया, इसके तीनों अव्यय लिखे और फिर बारी बारी से पूरा काम किया, लेकिन आप चाहो तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ किसी के भी सापेक्ष इसको हल कर सकते हैं। इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, उनमें से इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो फिर आगे क्या हल होगा, इसको कैसे हल करेंगे, तो याद आ रहा होगा ये तो दो इंटू दो का है ना, ऐसे हल कर देंगे, इसका इससे गुणा माइनस इसका इससे गुणा, इसको कैसे हल करेंगे, इसका इससे गुणा माइनस इसका इससे गुणा, और इसको कैसे इसका इससे गुणा माइनस इसका इससे गुणा, और इस तरीके से हम पूरे को हल कर देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो चाहो तो मैं एक और आपको बता दूं, एक और चीज आपको समझा देते हैं कि अब आप कहोगे कि सर पंक्तियों के सापेक्ष ठीक है हमको समझ में आ गया, एक आप स्तंभ के सापेक्ष इसी को हल करके बताओ, ठीक है, तो स्तंभ के सापेक्ष इसको ले लेते हैं, स्तंभ के सापेक्ष हम इसको ले लेते हैं, ठीक है, स्तंभ के सापेक्ष भी हल करके बता देते हैं, ठीक है, तो स्तंभ के सापेक्ष क्या होगा, तो स्तंभ के सापेक्ष क्या है, इस कौन से स्तंभ के सापेक्ष आप करना चाहते हो, तो जिस भी स्तंभ के सापेक्ष आप कहोगे उसके सापेक्ष मैं कर लूंगा, तो आप कहोगे सर दूसरे स्तंभ के सापेक्ष, ठीक है, जैसे किसी ने कह दिया कि सर दूसरे स्तंभ के सापेक्ष इसको हल करो, तो आप क्या करोगे, ठीक है, तो दूसरे स्तंभ के सापेक्ष इसको हल करें, तो ये आ जाएगा कौन है दूसरे स्तंभ में, पहले तो बोलिए, तो दूसरे स्तंभ में है ए वन टू, दूसरे स्तंभ में है ए टू टू और दूसरे स्तंभ में है ए थ्री टू, लिख दिया मैंने, दूसरे स्तंभ में ए वन टू ए टू टू और ए थ्री टू, फिर क्या करना है, चिन्ह बताओ, ए वन टू है, वन और टू कौन सी जगह आ रही है, थ्री विषम है तो माइनस लगाओ, विषम है तो माइनस लगाओ, सम है तो प्लस लगाओ, फिर विषम है तो क्या लगाओ, माइनस लगाओ, इसके लिए मैं आपको एक परमानेंट तरीका दे दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कहाँ माइनस कहाँ प्लस, ठीक है, तो अभी बात करते हैं ए वन टू और ए टू टू और ए थ्री टू, इसकी बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ए वन टू पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति को भूल जाओ, दूसरे स्तंभ को भूल जाओ, देखो दिख रहा होगा, पहली पंक्ति को मैं हटा रहा हूँ, दूसरे स्तंभ को भी हटा रहा हूँ, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ए टू वन बच रहा है और ए टू थ्री बच रहा है, ए थ्री वन और ए थ्री थ्री बच रहा है, तो वो यहाँ पर लिख देते हैं ए टू वन ए टू थ्री ए थ्री वन और ए थ्री थ्री, इसके साथ आ जाएगा। फिर हम बात करें ए टू टू की,
तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये हटा दो, ये हटा दो। आपको लग रहा होगा ये और ये, ठीक है ना, ये छुपा देता हूँ और ये रहा दूसरा स्तंभ, ये भी छुपा दे तो क्या बचेगा, तो आपके पास ये बच रहा है इधर A13 A31 और A33 ये बच रहा है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर A11, ये कॉर्नर बच रहे हैं ना, तो A13 और A31 और A33 इस तरीके से। और A32 की बात करें, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति, तो ये छुपा दो ये और ये छुपा दो, तो आपको मिलेगा ये A11 A13 A31 और A33 इस तरीके से आपको निकल कर आ जाएगा। तो आप इसको कैसे हल करेंगे आगे, आगे का तरीका वही है कि क्या करेंगे, इसका इससे माइनस इससे और इस तरीके से माइनस कर देना है। ये लिखने की वैसे जरूरत भी नहीं पड़ेगी जब हम इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो किसी के भी रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। अब आपके पास ये है कि सर चिन्हों के बारे में बता दो, कहाँ किसके आगे प्लस लगाऊंगा और किसके आगे माइनस लगाऊंगा। तो बहुत सिंपल है, अगर आपका 2x2 का है, किसका है, 2x2 क्रम का है, तो आपको क्या करना है देखो मैं बताता हूँ। चार जगह होंगी ना, ठीक है, तो चार जगह होंगी तो क्या करना है, बस यहाँ से प्लस लिख दो, बाकी सब अपने आप सेट है। ये प्लस है, इसके पास वाला माइनस, इसके पास वाला माइनस, तो माइनस के पास वाला फिर क्या होगा, प्लस होगा, बस प्लस माइनस लिखते जाओ। अगर इसकी जगह 3x3 है, देखो ये है ना 3x3, तो 3x3 में देखो क्या कि ये यहाँ प्लस लिख दो, बस बात खत्म होगी। ये प्लस लिखा तो फिर माइनस, प्लस के पास वाला माइनस, फिर माइनस के पास वाला प्लस, प्लस के पास वाला माइनस, माइनस के पास वाला प्लस, प्लस के पास माइनस, माइनस के पास प्लस, प्लस के पास माइनस, इस माइनस के पास, तो देख लो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, जैसे ये पूरा बन जाएगा। तो हमने जब पहली पंक्ति ली थी तो उसमें पहला आगे यहाँ था ना, तो इसके आगे क्या लिखा प्लस, फिर दूसरा आगे यहाँ है ना, दूसरे आगे क्या माइनस लिखा, माइनस है ना, फिर तीसरे आगे क्या क्या लिखा प्लस, तो प्लस आ रहा है, ठीक है। जब हमने द्वितीय स्तंभ को लिया तो उसमें जो पहला आगे 1 2 था, 1 2 वाली जगह पर क्या है माइनस, उसके आगे माइनस लगा था, ठीक है, फिर 2 2 वाली जगह पर क्या है प्लस, प्लस लगा दो उसके आगे, और 2 3 2 की जगह पर माइनस है तो उसके आगे क्या लगा दो माइनस, और हम इस तरीके से हल कर लेंगे। तो ये हमने किसके लिए किया 3x3, इसका भी एक हम उदाहरण सॉल्व करते हैं। इसका क्या करेंगे, आप एक उदाहरण सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है। तो उदाहरण हम हल करते हैं, आगे आगे तो हल्का हो ही जाएगा ना, 8 2 2 का इससे चलो उदाहरण करेंगे तो आपका क्लियर होगा। तो हम इसको उदाहरण ले लिया, मैंने जैसे मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके लिए कौन सा ये कितना मान निकल कर आएगा, तो करते हैं हम देखो। तो हल करने का तरीका वही, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सापेक्ष बात करते हैं। तो पहली पंक्ति मैंने ले ली 1 2 3। अब क्वेश्चन एक और आता है कि सर हम किसी पंक्ति या किसी भी स्तंभ को लें तो उत्तर हमेशा एक ही आएगा क्या? हाँ, आंसर हमेशा एक ही आएगा, चाहे आप इससे हल करो या इससे हल करो, आंसर इसका एक सेम ही आने वाला है। दूसरी बात ये कि इनमें से हम कौन सी ले सकते, कौन सी लेने से हमको फायदा हो सकता है, तो यहाँ पर हम बताएंगे कौन सी लेने से। तो ध्यान रखना है, ऐसी पंक्ति या ऐसी स्तंभ होकर चुनाव करना है जिसमें सबसे ज्यादा जीरो हो, सबसे ज्यादा जीरो हो, या तो तीनों जीरो हो, या 2 जीरो हो, या 1 जीरो हो, ठीक है। तो फिर हम उसका चुनाव करेंगे, जिस भी पंक्ति या स्तंभ में जीरो ज्यादा आएंगे उस पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष उसको हल करण किया जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर तो कोई जीरो है ही नहीं, जब कोई जीरो नहीं है तो किसी के भी सापेक्ष आप उसको हल करो, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। तो अब यहाँ पर मैंने जैसे पहली पंक्ति के सापेक्ष इसको हल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पहली पंक्ति में आ गया 1 2 3, 1 2 3 देख लिया। अब पहली पंक्ति में क्या बोला मैंने, प्लस माइनस प्लस, तो इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, ठीक है। फिर क्या करना है, तो इसके बाद सारणी का, इसके बाद भी सारणी और इसके बाद भी सारणी का जाएगा, कैसे, तो एक के साथ में कौन सी पंक्ति है, ये वाली, एक के साथ में कौन सा स्तंभ, ये वाला, हटा दो इसको, तो बचेगा 5 6 8 9। जैसे मैंने इसको और इसको हटाया तो 5 6 8 9 बचा,
ठीक है, फिर देखा दो, दो लिख दिया, दो के साथ में कौन सी पंक्ति है, ये वाली, और त्रस्तम है ये वाला, तो इसको और इसको हटा दो, बचेगा क्या, चार छह सात। फिर आगे बढ़ते, फिर आगे बढ़ते हैं तीन, तो इसके साथ में ये पंक्ति और इस स्तंभ को हटा दो, क्या बचेगा, चार पांच सात, हाँ चार पांच सात। फिर से देखो तीन के लिए, तो तीन के लिए ये वाली पंक्ति है, ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ है, इसको हटा दिया, क्या बच रहा, देखो हटा दिया, देखो क्या बच रहा, चार पांच सात आठ, चार पांच सात आठ, सात लिख दिया, बस हल करते हैं। इसको कैसे हल करेंगे, एक तो रहेगा, एक तो अपनी जगह पर रहेगा, इसको कैसे हल करते हैं, तो दो इंटू दो को हल करना अपन ने सीखा था, कैसे हल करते हैं, तो पांच इंटू नौ, नौ पंच पैंतालीस, कैसे गुणा करेंगे तो प्लस का, पांच इंटू नौ पैंतालीस, और ऐसे गुणा करेंगे तो माइनस का, माइनस का आठ छह अड़तालीस, ये निकल कर आगे। फिर देखो माइनस का क्या है, दो, फिर आगे बढ़ते हैं, चार का किससे होगा, नौ से, तो चार नौ छत्तीस, और नीचे से ऊपर माइनस सात छह बयालीस, ठीक है, और फिर प्लस तीन यहाँ पे चार इंटू आठ, आठ सौ बत्तीस, फिर माइनस सात पंच पैंतीस, इस तरीके से आपका ये निकल कर आएगा, इसको हल कर लो, आंसर आ जाएगा, चलो हल करते हैं, पैंतालीस माइनस अड़तालीस माइनस तीन, माइनस तीन का एक से गुणा, फिर देखो छत्तीस माइनस बयालीस माइनस का छह, छत्तीस माइनस बयालीस माइनस का छह, और माइनस छह का माइनस दो से गुणा, प्लस के बाहर, प्लस के बाहर। फिर देखो बत्तीस माइनस पैंतीस, थर्टी टू माइनस थर्टी फाइव, माइनस थ्री और माइनस थ्री का तीस से गुणा, माइनस नाइन। फिर हमने देखा कि माइनस तीन और माइनस नौ हो गए माइनस के बारह प्लस के बारह, रिजल्ट क्या हो गया, जीरो। तो इसका मान जो है वो कितना आ गया, जीरो आ गया, इस समीकरण का मान क्या आ गया, जीरो आ गया हमारे पास, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो तीन इंटू तीन का जो आपका सारणिक है उसको किस तरीके से हल करते हैं। तो हमारे सिलेबस में तीन ही है, एक इंटू एक का, फिर दो इंटू दो का, और फिर तीन इंटू तीन का जो सारणिक है उसको किस तरीके से हल करते हैं, ठीक है। तो आप लोग नोट करो, ठीक है, पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। तो आगे बढ़ते हैं, ये हमने सीख लिया तीन इंटू तीन का जो सारणिक है उसको किस तरीके से हल करते हैं। अब हम बात करेंगे नए पॉइंट्स की। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, और आगे का जो पॉइंट है आपका नेक्स्ट वो है आपका उपसारणिक और सहखंड। क्या वर्ड है, उपसारणिक और सहखंड, ये वर्ड आपका है जिसकी बात करते हैं हम नेक्स्ट। उपसारणिक क्या है, उपसारणिक और वह सह, ठीक है, उपसारणिक को इंग्लिश में कहते हैं माइनर, और सहखंड को कहते हैं एंड कोफैक्टर, ठीक है। तो ये इंग्लिश वाले वर्ड कभी कभी काम आते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। चलो ठीक है, तो हम बात करते हैं उपसारणिक एवं सहखंड क्या होते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, जैसे मैंने लिया, फिर से सबसे पहले टू इंटू टू कर लीजिए, कैसे लीजिए, एक आदमी दे रहा है ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, और सॉरी ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन एंड ए टू, यह आपके क्या है आव्यूह, और इसका जो सारणिक है, इसका जो सारणिक है वो क्या हो जाएगा, इसका सारणिक लिखेंगे ए वन वन, ए वन टू, ए वन टू वन एंड ए टू टू, ये इसका सारणिक हो गया। अब क्या कहें, अब ये कह रहा हूँ मैं कि इसके इसके जो सारणिक है, इस सारणिक, ये जो सारणिक है उस सारणिक के उपसारणिक का मान क्या है,
ठीक है, इसके उपसारणिक का मान क्या है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, उपसारणिक का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे नए सारणिक बन जाएंगे, ठीक है, जैसे बनते तो हैं, लेकिन ये उपसारणिक किसको कहेगा, ये उपसारणिक यहाँ पर ये जो अव्यय है हर एक अव्यय के लिए एक उपसारणिक निकलेगा, ठीक है, हर एक अव्यय के लिए क्या निकलेगा, एक उपसारणिक निकलेगा। कैसे निकलेगा तो हम निकाल के बताते हैं, ए वन वन का उपसारणिक, ए वन वन का उपसारणिक, ए वन टू का उपसारणिक, ए वन टू का उपसारणिक, हर एक अव्यय के निकलेगा, टू वन का उपसारणिक, जितने उसके अंदर अव्यय हैं उतने उपसारणिक निकलेंगे, ए टू टू का उपसारणिक, ठीक है। तो इन सब के मान हमको निकालने हैं यहाँ पर, उपसारणिक मतलब सारणिक मतलब वैल्यू होगी, तो इन सब की भी आपको क्या चाहिए, वैल्यू भी चाहिए, उपसारणिक के क्या चाहिए, मान चाहिए। तो यहाँ पर उपसारणिक क्या किसको कहते हैं, अब मैं आपको बता रहा हूँ उपसारणिक किसको कहते हैं, उपसारणिक होगा किसका, हर एक अव्यय का होगा। तो जिस अव्यय का आप उपसारणिक निकाल रहे हो उस अव्यय के सापेक्ष आने वाली पंक्ति और स्तंभ, उस अव्यय के सापेक्ष आने वाली पंक्ति और स्तंभ को अगर हम हटा दें, ठीक है, अगर उनको उस पार्ट को वहां से हटा दें, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसका सारणिक, उसका सारणिक वाला जो रूप है वही उसका क्या उस अव्यय बनने के लाएगा, उपसारणिक कहलाएगा। यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे मैंने कहा ये वन वन है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हटा दो, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हटा दो तो क्या आएगा, ए टू टू, ए टू टू अकेला ही है ना, और उसका सारणिक लूंगा तो ए टू टू का सारणिक ए टू टू ही आएगा, ठीक है। फिर हम कहेंगे ए वन टू के लिए तो ये पंक्ति और ये स्तंभ हटा दो क्या आ जाएगा, ए टू वन आ जाएगा, ए टू वन तो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को हटा दो आपके पास आएगा ए वन टू और यह आ जाएगा ए वन वन। इस तरीके से आपके क्या निकल जाते हैं, उपसारणिक निकल जाते हैं, और उपसारणिक को हमेशा ए आई जे से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे, ए आई जे का मतलब यहाँ पर यह है कि ए वन वन अगर हम निकाल रहे हैं, ए वन वन का उपसारणिक, इसका मतलब ये जो है वो ए मतलब उपसारणिक किसका है, A11 इसको लिखेंगे, इसको A12 लिख देंगे, इसको A21 लिखेंगे और इसको A31। तो A11 का मतलब है A11 का उपसारणिक, A11 का उपसारणिक, A12 का मतलब है A12 का उपसारणिक। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं सवखंड की, ठीक है, इसकी बात करेंगे सवखंड की, सवखंड क्या होता है, तो सवखंड की अगर हम बात करें तो सवखंड होता है -1 की पावर i + j। क्या होता है, ध्यान से देखना, सवखंड का यहाँ पर मतलब होता है -1 की घात i + j और उपसारणिक। नहीं समझे होंगे तो बात करते हैं कोफैक्टर, और कोफैक्टर यानी कि इसको आपको लिखा जाता है f से, किसके लिखा जाता है f से, बुक में f से लिखा गया है Fij, ये आपका किसका है, ये सवखंड है हर एक अव्यय का, प्रत्येक अव्यय का क्या होगा सवखंड होगा, तो वो सवखंड कौन है आपका Ij है, और वो Aij कहां से निकलेगा, Fij जो सवखंड है वो कहां से निकलेगा, उपसारणिक से, कैसे निकलेगा, -1 की घात i + j और Aij, इससे निकलेगा -1 की घात i + j और Aij, यहां से आपका क्या निकलेगा सवखंड निकलेगा। मतलब क्या कि ये वाला भागी तो लगाना है उपसारणिक पर, ये वाला भागी तो लगाना है। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर से मैं ले लेता हूँ, देखो क्या a11 a12 a21 a22, क्या करना है मुझे f11 निकालना, f11 का मतलब क्या है इस a11 का सवखंड, इसको ये लिखूंगा सवखंड, ए लिखूंगा तो उपसारणिक, तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ बता देता हूँ, -1 की पावर i + j, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू भी 1 और a11, i j क्या है 1, तो आपका मान क्या आएगा देखो -1 की घात 2 1 और a11, तो a11 का मान कैसे आएगा, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाने से तो कितना आ जाएगा a22, तो f11 का मान भी क्या होता है a22 ही होता है,
दूसरी बात करूंगा 1 2, तो 1 2 के लिए -1 की घात 1 + 2 और a 1 2, तो इसका मान क्या आएगा -1 और a 1 2, a 1 2 का मान कितना ब्रो, तो ये हो जाएगा -a 2 1। इस तरीके से a 2 1 का मान हो जाएगा -1 की घात 2 + a और a 2 1, तो देखो क्या -1 तो ये माइनस और a -1 की घात 3 माइनस और a 2 1 का मान, तो a 2 1, तो इसको और इसको हटा दे तो क्या आएगा a 1 2 आ जाएगा। और ले लेते हैं f 2 1 की बात करें तो ये हो जाएगा -1 की घात 2 + 2 a 2 2, तो ये आएगा a 1 1। इस तरीके से निकल जाएगा, कोई बात नहीं, बस प्लस माइनस का फर्क है, प्लस माइनस का ही इफेक्ट है, बस इतना ध्यान रखना है। प्लस और माइनस की विशेष बात आपको क्या ध्यान करनी है, यहाँ तो मैंने पहले बोला है कि जब हम उपसारणिक निकालते हैं तो पंक्ति और स्तंभ को हटाते हैं, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को हटाने से जो बचता है उसका सारणिक ही क्या होता है, उपसारणिक होता है। लेकिन सवर्ण में क्या होता है कि उसमें भी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाते हैं, उसके बाद जो बचेगा उसका सारणिक, लेकिन साथ में आगे चिन्ह का भी ध्यान रखना है। तो चिन्हों का ध्यान कैसे रखना है, इसके लिए मैंने बोला ही है प्लस माइनस माइनस प्लस, दिमाग लगाओ, यहाँ पर प्लस आ रहा है, यहाँ पर आगे माइनस, उपसारणिक के आगे माइनस और उपसारणिक के आगे प्लस, इस तरीके से आपका काम हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एक एक उदाहरण लेकर, जैसे मैंने एक उदाहरण लिया 1 2 3 और 4, क्या लिया 1 2 3 और 4, ये मैंने उदाहरण लिया इसका और कहा कि इसकी क्या निकालो, उपसारणिक निकालो। तो बोलो एक का उपसारणिक क्या होगा, एक का उपसारणिक हो जाएगा, एक का उपसारणिक इसको और इसको हटा दो तो क्या बचेगा, देखो तो ये हटा दिया और ये हटा दिया, क्या बचेगा 4। फिर a 1 2 का बताओ, तो 2 का a 1 2 का मतलब क्या है, a 1 2 का मतलब है कि a 1 2 की जगह पर कौन आ रहा है 2, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में कौन आ रहा है 2, 2 का उपसारणिक, तो 2 का उपसारणिक तो इसको और इसको हटा दो तो आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर आपके आते हैं 2 1 पे, तो अब 3 के लिए 2 1 मतलब कौन सी पोजीशन है 3, 3 का उपसारणिक, a 2 1 का मतलब क्या है यहाँ पे 3 का उपसारणिक, तो 3 4 और 1 ये हट जाएगा तो 2 आ जाएगा। और फिर आते हैं हम a 2 2 पर करें तो इसको और इसको हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 1, ये तो हो गए आपके उपसारणिक। लेकिन अगर हम बात करें सवखंड की, किसकी बात करें सवखंड की, f 1 1 f 1 2 f 2 1 और f 2 2, तो ये कैसे आएंगे, तो बस इस उपसारणिक से ही आएंगे, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या है 2 a 1 1 है ना, प्लस आएगा 4 ही आ जाएगा, a 1 1 है ना सम है ना प्लस यानी 4 ही आ जाएगा, 1 2 है तो माइनस का आएगा, 2 1 है तो 2 है तो माइनस का 2 आएगा और 2 2 है तो 1 ही आएगा। ये चारों क्या हो गए सखंड हो गए, यहाँ पर ये चारों क्या हो गए सखंड हो गए। तो ये हमने किसके लिए उपसारणिक और सखंड की बात करी, हमने 2 × 2 किसके लिए बात करी है, 2 × 2 क्रम के आव्यूह के लिए या 2 × 2 क्रम के सारणिक के लिए, इस तरीके से हमने बात की है, ठीक है। तो सखंड की जो ये मेन बात है वो उपसारणिक से ही कनेक्टेड है और उसको FIJ से लिखते हैं, उपसारणिक को AIJ से व्यक्त किया जाता है। तो ये आप लोग अच्छे समझ में आ गई होगी तो आप लोग इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। यस, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 × 3 इसके लिए 3 3 × 3 क्रम के लिए अगर देखें तो बना देते हैं ये 3 × 3 a 1 1 a 1 2 a 1 3 a 2 1 a 2 2 a 2 3 a 3 1 a 3 2 a 3 3, ये आपका सारणिक हो गया। इसमें प्रत्येक अवयव का क्या होगा उपसारणिक और प्रत्येक अवयव का क्या होगा सखंड। तो जैसे मैंने पहला अवयव ले लिया a 1 1 का उपसारणिक, उपसारणिक
ठीक है, और उपसारणिक को लिखेंगे कैसे, ए वर्णमंच, किससे लिखेंगे, इसके इसके उपसारणिक को ए वर्णमंच से हम लिखेंगे। अब ए वर्णमंच की वैल्यू, अब इसका इसका मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्या तरीका, पहली पंक्ति पहले स्तंभ, ए वर्णमंच है ना, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ को हटाने पर जो शेष भाग बचता है इस सारणिक में उसका क्या लेना है, सारणी, उसका सारणी वाला मान, उसका सारणी वाला मान, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को हटाने पर जो बचेगा वो बचेगा वो ये चारों हैं, तो लिख देता हूँ कौन चारों हैं, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री टू और ए थ्री थ्री, इसका क्या ले लो, सारणी, वही इसका उपसारणिक हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात करें, एक और बता देता हूँ, ए टू वन ले लेता हूँ, का उपसारणिक, का उपसारणिक, तो इसको क्या लिखेंगे, ए टू वन, कैसे निकालेंगे मान, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को हटाने पर, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को हटाने पर, दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को हटाने पर जो बचेगा वो होगा आपका ए वन टू, याद रखिएगा दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ए वन टू, ए वन थ्री बच रहा है और नीचे आ रहा है ए थ्री टू एंड ए, ये भी आपका क्या हो जाएगा उपसारणिक, इसको आप कैसे करेंगे, तो ये वाला तरीका है। ठीक है, तो ये इस तरीके से निकालेंगे, लेकिन अगर हम इसमें इसी में सहखंड की बात करते हैं, मतलब एफ वन वन और एफ टू वन, एफ वन वन और एफ टू वन, क्या अंतर आएगा, यही आएगा ना वापस, ए टू टू, ए टू थ्री, हटाने पर जो बचता है वो तो आना ही। ठीक है, ये दो दूसरी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाने पर जो आएगा उसका सारणिक वाला मान क्या होता है, उपसारणिक होता है, लेकिन अगर जो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाने वाला मान उसके साथ चिन्ह का भी ध्यान रखें, कहाँ प्लस कहाँ माइनस, तो देखो ए वन वन एफ वन वन है, इसके आगे क्या लगेगा, प्लस, और दूसरा ये देखो कौन है, ए वन टू, ए वन थ्री, क्योंकि ये तो किसके बराबर आ जाएगा, ए वन वन के बराबर, और ये किसके आएगा, टू टू वन, लेकिन क्या आएगा, तो माइनस का आएगा और ये हो जाएगा थ्री टू ए थ्री। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं कि टोटल कितने एलिमेंट है, ये कितने अवयव हैं यहाँ पे, नौ, तो सबके लिए आपको क्या निकाल लेने हैं, उपसारणी, और सबके लिए क्या लिख लेने हैं, सखंड लिख लेने हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से तो आपके क्वेश्चन कुछ ऐसे ही आते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, मैंने पूछा कि इस चार का, इस चार का क्या निकालो, उपसारणिक निकालो, और इस चार का सखंड निकालो, इस चार का उपसारणिक सखंड निकालने के लिए चार के सापेक्ष में कौन सी पंक्ति आ रही है, दूसरी, और चार के सापेक्ष में कौन सा स्तंभ आ रहा है, पहला, तो इस दो इन दोनों को, इसको और इसको भूल जाओ, तो आपके पास क्या बच रहा है, दो तीन आठ नौ, क्या बच रहा है, देखो दो तीन और आठ नौ, इसका क्या ले लो, सारणिक, सारणिक लिया, ये हो गया नौ इंटू दो अठारह माइनस चौबीस, ये हो गया कितना, माइनस का छः, तो माइनस का छः तो क्या आ गया, उपसारणिक आया किसका, चार का, लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसका सखंड क्या होगा, तो चार की जगह कौन सी है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, तो ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस होगा, तो इसका आगे क्या लग जाएगा, माइनस, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कौन सी जगह, ये टू वन वाली, कौन सी वाली है, ए टू वन वाली है, तो सखंड में क्या रखना है, चिन्हों का ध्यान रखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली, किसकी बात करी, हमने सखंड और उपसारणिक के बारे में बात करी है। ठीक है, तो ये आपका तीन इंटू तीन का जो था वो भी कंप्लीट हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेना, तो आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट जो है वो इसमें बचा हुआ है जो कि है सारणी का, यूं ही कह सकता हूं, ठीक है, सारणी का जो
फल है, या सारणिक को ओपन करना, खोलना, एक्सपांशन करना, ठीक है। तो कैसे करते हैं, तो बात करते हैं किस तरीके से करते हैं। तो अभी हमने किया है वो बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसी को हम कुछ शॉर्ट फॉर्म में देखने की कोशिश करेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म में हम देखते हैं, देखो जैसे मैंने लिखा है सारणिक ए इस तरीके से डेल, है ना, क्या नाम दिया डेल, इसके अंदर ए वन वन ए टू वन टू, फिर है ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू एंड ए टू थ्री ए थ्री वन थ्री टू थ्री, ठीक है इस तरीके से। और इसको अगर हमें हल करना है तो क्या कहा मैंने, किसी भी पंक्ति या किसी भी सिस्टम के सापेक्ष कर सकते हो। तो हमने इसको कैसे किया था, पहली पंक्ति के सापेक्ष किया, तो A11 के बाद में क्या किया, A11 के साथ में मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाने के बाद जो बच्चा को लिखते हैं, तो पहले तो क्या लिखा, पहली पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं, तो A11 लिखा, फिर क्या लिखा A12 लिखा, और फिर क्या लिखा A13 लिखा, और इस तरीके से। अब देखो A11 है, A11 तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाए, तो ये आ जाएगा A22 और A23 और A32 और A33, फिर यहाँ माइनस लगता है, फिर आ जाता है पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाए, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाए तो आएगा A21 A23 A31 A33, फिर आगे बढ़ते हैं प्लस का, और A13 के लिए तो तीसरी पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को हटाए तो आ जाएगा A21 A22 A31 और A33, इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। इसको हल हम कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको ब्रीफ में अगर देखें तो क्या बताना चाह रहा है, किस तरीके से एक्सपांड होता है, किस तरीके से इसका एक्सपांशन कर सकते हैं, किस तरीके से इसको हल किया गया है। तो यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि अभी हमने उपसारणिक की बात की थी कि अगर पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाने के बाद जो अभी बचते हैं उनका सारणिक लें, तो वो उस अव्यय क्या क्या कहलाएगा, उपसारणिक कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने A11 लिखा, और फिर यहाँ क्या किया, ये वाला सारणिक लिखा, वो कैसे लिखा, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाने के बाद जो बचा उसका सारणिक लेकर, जो है वो हमने काम किया। तो चलो ठीक है, तो क्या करना है, तो यहाँ पर A11 के साथ में ये जो लिखा है वो पहली पंक्ति पहले स्तंभ को हटाने के बाद लिखा है, तो ये जो है वो इसका क्या हो जाएगा, उपसारणिक क्या हो जाएगा, ठीक है। ये जो पार्ट है ये A11 है, तो ये जो पार्ट लिखा है वो इसी A11 का क्या है, उपसारणिक और उपसारणिक मतलब A11, फिर माइनस A12, और ये क्या है, ये इसी A12 का क्या है, उपसारणिक, और फिर आगे बढ़ते हैं A13, और ये जो लिखा है वो इसी A13 का क्या है, उपसारणिक। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको इजी बनाते हैं, तो यहां पर लिखते हैं डेल इक्वल टू A11, जो A11 है, जो A11 होता है वो A11 के क्या होता है, बराबर, क्योंकि 1 और 1 सम है तो प्लस का ही आएगा, तो इसके आगे प्लस लगाएंगे ये दोनों क्या आएंगे, बराबर ही आएंगे, ठीक है। तो इसी A11 को F11 लिख सकते हैं, और इसी A13 को F13, ये दोनों के तो बराबर होते हैं, लेकिन F12 है वो माइनस A13 के बराबर होगा, क्यों होगा, तो ये याद करो -1 की पावर 1 प्लस 3 तो ये हो जाएगा F12 इज इक्वल टू -A12 आ रहा है, तो बोलो A12 की वैल्यू क्या होगी, तो -AF और ये हो जाएगी। तो हमको समझ में आया कि यहाँ पर इसकी वैल्यू माइनस की रखेंगे तो माइनस प्लस, और A12 के साथ में क्या आ रहा है F12। तो इस तरीके से हम किसी भी सारणिक, किसी भी 3×3 के सारणिक को हल कर सकते हैं, जिसकी सरल रूप आया, सरल रूप में आपको क्या दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, जिस पंक्ति को आप ले रहे हो उस पंक्ति के जो अव्यय है उनके सहखंडों से गुणा करके क्या करना है, सबको जोड़ना है, उस पंक्ति के जो अव्यय है उनके सहखंडों के साथ गुणा कर क्या करना है, योग करेंगे तो आपके सारणिक का हल आ जाएगा। तो और अगर हम देखें किसी भी सारणिक को हल करना है तो आपको क्या करना है, Kij, ठीक है, छोड़ो यहाँ पर, कुल मिलाकर हमको क्या करना है, Aij
और एफ आई जे का गुणा करना है। ए वन वन है तो यहाँ एफ वन वन, फिर प्लस ए वन टू है तो यहाँ एफ वन टू, प्लस ए वन थ्री है तो ए, तो इस तरीके से हम किसी भी सारणी के हल को लिख सकते हैं। ठीक है, क्या है क्या पर ये तो क्या है अवयव, कौन सी पंक्ति है उस पहली पंक्ति का अवयव, और ये क्या है यहाँ पे सहखंड, क्या है सहखंड। तो इस तरीके से इसको आप हल कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सारणी का हल, और ये आपके लगभग पूरा जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट, एक्सरसाइज 4.1 प्रश्नावली 4.1 तक का पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 4.1 की ओर, प्रश्नावली 4.1 की ओर। तो शुरू करते हैं हम प्रश्नावली 4.1। ठीक है,